2 जून 1984 जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर पंजाब के लोगों से अपील किया टू नॉट शेड ब्लड बट हेट्रेड, कुछ लोगों ने इसे एक डिसऑनेस्ट कॉल बताया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अमृतसर में हमला होने वाला था, सेना और हथियार दोनों तैयार थे अटैक के लिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जहाँ पर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट छुपे हुए थे। उनके साथ उनके लीडर जर्नैल सिंह भिंडरांवाले भी थे, जिन्होंने ऑलरेडी भारत सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया था, और उसके अगले 72 घंटे में 400 से ज्यादा लोग मारे गए उस ऑपरेशन में, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि एक मिसकैलकुलेशन थी। इस ऑपरेशन ने ना ही टेररिज्म को खत्म किया, ना ही खालिस्तानी सेपरेटिज्म को, और ना ही रिलीजियस पॉलिटिक्स को, बल्कि वो एक इंसिडेंट भारत और भारत के बाहर रहने वाले सिखों के मन में एक ऐसा छाप छोड़ के चला गया, एक ऐसा दाग जो आज तक समय समय पर भारत के सॉवरेनिटी को चोट पहुंचाता हुआ आया है। पिछले कुछ हफ्तों में आप लोगों ने एक नाम बहुत ही कॉमन सुना होगा, जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। ये 30 साल का इंसान जिसका नाम अमृतपाल सिंह संधू है, ये पिछले साल 2022 में सितंबर में पंजाब वारिस लीग, जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर बना। जो आग सालों पहले बुझ चुकी थी, इस इंसान ने उस आग को फिर से जला दिया, जिसकी वजह से सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर US, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कंट्रीज में भी इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला खालिस्तानी सपोर्टर के द्वारा, ताकि ये लोग उस आग को और फ्यूल अप कर सके जो अमृतपाल पंजाब में लगा रहा है फिर से। और ये सारे इंसिडेंट्स एक बार फिर से भारत में पीस और यूनिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, ये सब शुरू कब हुआ, किस वजह से हुआ, ये जर्नैल कौन है, ये खालिस्तान क्या है, ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है, और ये अमृतपाल सिंह संधू कौन है, और क्या आज भी भारत की जो सिख कम्युनिटी है वो खालिस्तान को सपोर्ट करती है या नहीं, या फिर खालिस्तान बस एक टूल है फॉरेन पावर्स के लिए, ताकि वो इंडिया के पीस, इंडिया की सॉवरेनिटी को हमेशा डिस्टर्ब करके रखे। कहानी है 1921 की, जब मोतीलाल नेहरू ने लाहौर के कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिसके खिलाफ 3 कम्युनिटीज थी। पहला मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जीना, दूसरे दलितों के राइट्स के लिए लड़ने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और तीसरे थे शिरोमणि अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने पहली बार उस वक्त सिख होमलैंड की डिमांड की थी। 1947 में ये एक मांग एक मूवमेंट में बदल गया, द पंजाब मूवमेंट। उसके बाद ये मूवमेंट अगले 19 सालों तक चला, और फिर बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनकी मांग को एक्सेप्ट करते हुए पंजाब रीजन के 3 डिवीजन किए, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिकेशन ऑफ पंजाब, जिसमें उन्होंने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एज अ कॉमन कैपिटल बनाया। अब इस डिवीजन ने सिखों की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं की, और उसके बाद सिख कम्युनिटी ने ऑटोनॉमी की डिमांड की, जहां पर वो खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहते थे। उन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की एक रेजोल्यूशन के थ्रू, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अब बात आती है 1980s की, जिस टाइम पर ये जो पूरा मूवमेंट है इसको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन मिला, इसको बहुत ही ज्यादा सपोर्टर्स मिले, और उसमें से एक बहुत ही बड़े सपोर्टर्स थे, उनका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरांवाले, जो कि एक सिख स्कॉलर थे who later turned into a militant, जिन्होंने पूरे पंजाब में कैंपेन चलाया सेपरेट डिमांड की, लेकिन उनके व्यूज जो थे वो काफी ज्यादा रेडिकल थे, इसकी वजह से खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स हिम लाइक ही एक्सटॉर्टेड एवरी सिख टू किल एवरी 32 हिंदूस टू सॉल्व दिस हिंदू सिख प्रॉब्लम। 1982 में जर्नैल सिंह भिंडरांवाले जाके मिले श्रोमणि अकाली दल के लीडर्स के साथ, और उनके साथ मिलके इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया पूरे पंजाब में, जो कि जल्द ही एक बहुत ही बड़े विद्रोह का रूप ले लिया। उस विद्रोह के दौरान उन्होंने कई सारे लोगों को टारगेट किया, कई सारे पॉलिटिशियंस को टारगेट किया, कई सारी किलिंग्स हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, कई जगह पे बॉम्बिंग्स हुई, और इस वजह से जर्नैल सिंह भिंडरांवाले भारत सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे, और अरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने अपना बेस बनाया गोल्डन टेम्पल, जो कि अमृतसर में है। अगले 2 साल के जद्दोजहद के बाद जून 1984 को इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसमें उन्होंने सारे मिलिटेंट्स को मार गिराया। उस ऑपरेशन में 493 मिलिटेंट्स मारे गए, 83 सोल्जर्स की डेथ हो गई, और 290 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, इट वॉज अ मिसकैलकुलेशन। तो पूरे सिख कम्युनिटी में एक अलग तरीके का गुस्सा बन गया था, जिसकी वजह से अगले 4 महीने बाद इंदिरा गांधी का असासिनेशन होता है बाय हर ओन सिख बॉडीगार्ड्स, और इस इंसिडेंट की वजह से एक अलग तरीके का राइट जन्म लेता है, जो कि एंटी सिख राइट होता है, जिसमें 8,000 से ज्यादा सिखों की मौत हो जाती है। और उसके बाद से आज तक पिछले 2 डेकेड्स में कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें 23 जून
1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट को ब्लास्ट कर दिया गया हवा में, और 10 अगस्त 1986 को जनरल एएस वैद्य का मर्डर कर दिया गया, और 31 अगस्त 1995 को पंजाब के चीफ मिनिस्टर बीएन सिंह को कार बॉम्बिंग में मार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे था कौन? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं क्योंकि ये मामला बहुत पहले शांत हो गया था, तो इसको वापस से जब शुरू किया गया तो इसके पीछे कई सारी फॉरेन पावर्स थी, जिनमें से एक नाम जो सबसे पहले छप के आता है वो है पाकिस्तान। हाँ, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों को जुल्फिकार अली भुट्टो की एक बात बताता हूँ, जहां पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान वुड टेयर ऑफ अ पार्ट ऑफ इंडिया टू एवेंज द लॉस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। एक MLI पब्लिकेशन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग खालिस्तान पाकिस्तान का एक पाला हुआ खुद का जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, जो कि कैनेडियंस और इंडियंस के नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। थैंकफुली इंडिया में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए अगर कोई भी उस आग को फिर से जलाने की कोशिश करता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा जिस तरीके से उनकी ड्रेसिंग्स थी, जिस तरीके की उनकी डिमांड्स थी, और जिस तरीके के वो काम कर रहे थे उस समय पे, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका हमें आज के टाइम पे देखने को मिल रही है अमृतपाल सिंह के नाम पे, जो पूरी तरीके से जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली आज के टाइम पे इंडियन सिख्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, स्मार्ट है और समझदार है, और उनके लिए उनका पंजाब स्टेट और भारत देश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग जिसे हम एक खालिस्तान के नाम से जानते हैं। और हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि सिख कम्युनिटी ने भारत की प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, फिर चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, सरदार उधम सिंह हो, या फिर करतार सिंह सराभा, जब भी देश के लिए लड़ने की बात आई है सिख हमेशा आगे रहे हैं। उनकी जो ईमानदारी है, उनका जो देश के लिए प्यार है, उसमें कभी भी हम सवाल नहीं उठा सकते। सेम टाइम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितनी भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है पंजाब में, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, एजुकेशन हो गया, और इमर्जिंग जो ड्रग एडिक्शन है पंजाब के यूथ्स में, उन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े मूवमेंट का रूप ना ले, जिसे हम खालिस्तानी मूवमेंट कहते हैं। आज के टाइम पे जो अमृतपाल सिंह है वो कोई दूसरा जनरल सिंह भिंडरांवाले ना बन सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए ताकि पंजाब की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको और भी बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।